अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज SST सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 16 का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम सिंपल अलजेब्रा पढ़ेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक्सरसाइज 6.1 है, क्लास 9 का जो नया बुक आया है उसके रिलेटेड, ये मैथमेटिक्स का जो बुक है 6.1 एक्सरसाइज, उसकी आज हम सॉल्व कर रहे हैं और देखिएगा कि हम इनको कितना जल्दी जल्दी हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ये हर टेस्ट के लिए, ना के लिए सिर्फ ये BPS 16 SST के लिए, लेकिन ये आपको मेट्रिकुलेशन डिग्री या बैचलर या फिर ग्रेजुएट जो अभी अभी हुई है इंटरमीडिएट की, उसके लिए भी ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। और FIA के लिए या अदरवाइज जो भी नेब की टेस्ट होती हैं फेडरल की, उनके लिए भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो पहला जो सवाल है वो ये लिखा, बिल्कुल सिंपल है कि 1/4 x = 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, 1/4 x = 5, ये 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इधर बचेगा x = 5 × 4 = 20, तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपको मिला हुआ है −x/8 = −5, ठीक है। तो इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस और माइनस आप कैंसिल कर देंगे, 8 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40, ये जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, 2y − 3/5 = 1/2, तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो ये देखें, ये कांस्टेंट है −3/5, इसको आप इस साइड भेज दें, तो इधर क्या बचेगा, 2y = इधर क्या है, 1/2, और ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो हम लिखेंगे +3/5, ठीक है। तो LCM हम ले सकते हैं, LCM कितनी होगी, 15, 2 की टेबल सॉरी 10 होगी, LCM होगी 10, 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम्स, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट होगा कितना, 6, तो ये हो जाएगा 2y = 5 + 6 = 11/10, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 11/10 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 20, तो ये वैल्यू होगी किसकी, वाई की, y = 11/20, ठीक है। अब आते हैं हम किसी और सवाल की तरफ, जैसा कि 2x − 4 / ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, 2x − 4/5 = 5x − 12/4, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्योंकि बीच में इक्वल की साइन है, और 5 को इधर, तो 5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5x − 12 होगा = 4, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2x − 4 हो जाएगा, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करें होंगे तो हो जाएगा −60 = ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 4 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा −60। अब 8x जो है प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का होगा, तो 25x − 8x = ऑलरेडी −16 है, और ये −60 अगर इस साइड जाएगा तो ये −16 तो है, ये हो जाएगा +60, तो यहाँ पर ये बचेगा 17x, क्योंकि 25 में से 8 माइनस होंगे तो 17x = −16 +60, तो ये प्लस का बचेगा 44, तो x की वैल्यू 17 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 44/17 रिजल्ट हो जाएगा, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो ये सारे MCQs में ही आएंगे, ऑप्शन सिर्फ गिवन होंगे, ठीक है। एक और सवाल हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/3 + 2m, ये क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं हम, 1/3 + 2m = m − 3/2, ठीक है। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू क्या होगी, हम ये जो माइनस का m प्लस का m है इस साइड आएगा किसका होगा, माइनस का होगा, तो 2m ऑलरेडी है, −m = −3/2 राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, और ये जो 1/3 है प्लस का है उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, तो −1/3 आ जाएगा। LCM लेंगे हम, LCM कितनी होगी, 6, और इधर 2m − m कितना बचेगा, m बचेगा, इधर LCM होगी 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स जाएगी तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा −9, −3 की टेबल 6 पर 2 टाइम्स 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो −2, तो m वुड बी इक्वल टू −11/6, ये जवाब हो जाएगा। तो ये सारे MCQs में आएंगे, कुछ मैं सवाल यहाँ पर लिखता हूँ, उनके जवाब आप मुझे बताइएगा, जैसा कि होमवर्क में लिख ले रहा हूँ, होमवर्क है ये, नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ x/4 = −3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
नंबर टू माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन सिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नंबर थ्री जो है, पाँच में सवाल लिख रहा हूँ, फाइव माइनस टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव. नंबर फोर थ्री एक्स अपॉन फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. और नंबर फाइव आखिरी सवाल जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एट. ठीक है जी, तो इन इधर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये क्लास नाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास नाइन की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर सिक्स एक्सरसाइज 6.1 का ये सवाल है. कुछ ये सवाल आप अगर बुक भी खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएंगे और इनके जवाब भी पीछे लिखे होंगे. तो आप इसके जवाब जो है मुझे यूट्यूब पर या फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.